तू ट्रैवल एजेंट बनना चाहता है? भाविश के फादर ने उसे यही ताना मारा जब उसने पहली बार उनसे अपना यह बिजनेस प्लान डिस्कस करा था। 2008 में भाविश ने आईआईटी बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लेते हुए उसने उनकी रिसर्च टीम में काम करना शुरू कर दिया। 2 साल माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करके उसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया, बिकॉज काफी सोचने समझने के बाद भाविश इस नतीजे पर पहुंचा कि जॉब तो वो फिर से भी कर लेगा, बट अभी अगर उसने हिम्मत नहीं जुटाई तो शायद वो जिंदगी भर अपना स्टार्टअप ना शुरू कर पाए। इस सिचुएशन में मुझे टीवीएफ पिक्चर्स का वो फेमस डायलॉग याद आता है कि इस देश के ग्रेजुएट्स जब अपनी 9 to 5 जॉब से बोर होने लगते हैं ना, तब बाहर निकलने के उन्हें सिर्फ 3 रास्ते सूझते हैं, MBA, IAS या फिर स्टार्टअप। जॉब छोड़कर भाविश ने फिर एक वेबसाइट सेटअप करी, olatrip.com। उसने काफी रिसर्च के बाद कुछ अच्छे वीकेंड ब्रेक्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन हॉलीडेज अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करे। भाविश के फादर को उसके बिजनेस करने से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उन्हें ये चिंता सताई जा रही थी कि इन सब चक्रों में कहीं उनका बेटा ट्रैवल एजेंट ना बन के रह जाए। इसलिए उन्होंने उसको सजेस्ट करा कि बेटा, तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस अच्छा है, अभी अगर तुम किसी ढंग की जगह से अपना MBA करके एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड बना लेते हो तो बाद में करते रहना ये बिजनेस, तुम्हें आखिर अभी पता ही कितना है। उसके फादर कहीं ना कहीं सही भी थे कि आखिर उसे इस इंडस्ट्री का आइडिया ही कितना था, बट स्टिल भाविश की गट फीलिंग ने उसे अभी और एक्सप्लोर करने को कहा। जब ओला ट्रिप वेबसाइट पर उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो फिर 2010 में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टेडियम के बाहर पहुंच के लोगों के बीच पैम्पलेट्स बांटने लगा कि शायद वहीं से उसे कुछ क्लाइंट्स मिल जाएं। बट सुबह से शाम हो गई और वो किसी एक पर्सन को भी अपना पैकेज नहीं सेल कर पाया। फिर एक दिन क्या हुआ, जब भाविश ने बैंगलोर से बांडीपुर जाने के लिए कार रेंट करी हुई थी तो कार वाले ने आधे रस्ते में ही जाके कार रोकी और उससे पैसों का रीनेगोशिएशन करने लगा। जब भाविश ने उसे कुछ भी एक्स्ट्रा देने से इनकार कर दिया तो वो उसे बीच रस्ते में ही उतार के खुद निकल गया। पूरे दिन भाविश बस यही सोचता रहा कि इंडिया में बिना जान पहचान के किसी को भी एक डिसेंट कैब सर्विस मिलना कितना मुश्किल काम है। कुछ टाइम बाद जब वो किसी क्लाइंट को एक हॉलीडे पैकेज बेचने में लगा हुआ था तो उस क्लाइंट ने छूटते ही भाविश को बोला, नैनीताल जाना यार, गाड़ी दिला दे। ये सुन के उसे रिलाइज हुआ कि लोगों को एक्चुअली में कहीं पर भी जाने के लिए उसकी या ओला ट्रिप की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो बस एक गाड़ी की। इस इंसिडेंट के बाद भाविश मुंबई चला आया और यहां उसने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर एक नई वेबसाइट लॉन्च करी, olacabs.com, और 2010 में वो फाइनली अपनी वेबसाइट के थ्रू कार्स रेंट पर देने में कामयाब रहा। ऑनलाइन कैब्स प्रोवाइड करने के 7 से 8 महीने में ही मार्केट में ये न्यूज फैल गई कि ओला कैब्स करके कोई नया स्टार्टअप आया है जो कि लोगों की एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा पड़ा है। आज भी इंडिया में हर कोई इजीली कार अफोर्ड नहीं कर पाता और जो अफोर्ड कर भी रहा है उनके लिए पार्किंग और फ्यूल प्राइसेस जैसी चीजें एक डेली स्ट्रगल बन चुकी हैं। 2012 के मिड में जब ओला कैब्स ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करा तो लोगों के बीच उसका वर्ड ऑफ माउथ फैलते ही इन्वेस्टर्स को उसमें एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल भैल ओला के एंजल इन्वेस्टर बने, फिर शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करी और 2012 के एंड तक ओला को फिर मार्केट में बैठे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फंडिंग मिलनी स्टार्ट हो गई। ओला के शुरुआती दिनों में भाविश को सही तरह के ड्राइवर्स और कार्स ढूंढने के लिए बहुत जगह भटकना पड़ता था। कभी कभार ड्राइवर अवेलेबल ना होने पर वो खुद किसी की कार बोरो करके पिकअप भी करने चले जाया करता था। एक छोटे से कमरे में शुरू करे हुए स्टार्टअप को आज पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट करा देना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग काम है। भाविश ने आज की डेट में इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद
खुद के लिए कोई पर्सनल कार भी नहीं रखी हुई है। वो खुद डेली एज अ कस्टमर दिन में 3 से 4 बार ओला कैब्स यूज करता है और अपनी राइड का फीडबैक आगे फॉरवर्ड कर देता है।